सम्यास कुकिंग डायरी में आप लोगों का स्वागत है। त्योहारों का दिन चल रहा है और कुछ मीठा खाने का मन हो और अलग अलग रेसिपी खाने का मन हो तो आप लोगों के सामने मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही आसान, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साबूदाना ले रही हूँ 1 कप। इसको हमें पानी से धोना है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए, इसमें स्टार्च बहुत होता है। धोने के बाद इसका पानी अलग कर देना, अलग कर दिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद इसको 5 से 6 घंटे के लिए ढक के रख दिया था, देखिए एकदम ड्राई हो गया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हमें साबूदाने को डालना है। कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक हमें इसमें भूनना है ताकि एकदम ड्राई हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के बाद एकदम ड्राई हो गया है तो इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद उसी के अंदर 1 कप हमें फिर से मखाना डालना है। इसको भी हमें 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद उस साबूदाने में ही डाल देना है इसको भी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 कप फिर से मूंगफली ले रही हूँ। उसके बाद हमें इसे भूनना है 1 से 1.5 मिनट और उसको दूसरे बर्तन में भी निकालना है। फिर मैंने गैस बंद कर दिया। फिर 1 कप कोकोनट पाउडर लिया है मैंने, यहाँ पे गैस बंद कर दिया है ताकि जल जाएगा। उसके बाद मैं साबूदाने वाले में ही डाल दे रही हूँ। मैंने मूंगफली को अलग बर्तन में रखा, बाकी तीनों चीज़ों को एक साथ रखा है मूंगफली का छिलका अलग करने के लिए। मैंने अलग कर लिया, फिर सारे को एक साथ मिला लिया है मैंने। मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल के हमें पीस लेना है, एकदम पाउडर बना लेना है इस तरह से। उसके बाद 2 स्पून में यहाँ पे घी डाल रही हूँ, उसके अंदर डाल देंगे हमें और 1 से 1.5 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है ताकि जले नहीं। 1 से 1.5 मिनट हो गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और दूसरी तरफ हम चाशनी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कप शक्कर ले रही हूँ, तो 1/2 कप में यहाँ पे पानी डाली हूँ। फिर उसके बाद शक्कर घुल जाना चाहिए, बस उतना ही हमें पकाना है। इसको हमें कोई तार और नहीं बनाना है कि 1 तार 2 तार की चाशनी। उसके बाद एक प्लेट लेंगे, उसमें पानी डाला है, उसके अंदर हमें डाल के देखना है। नीचे अगर जम जाएगा तो हमारा चाशनी बनके तैयार हो जाएगा। फिर इसके अंदर हमें डालना है थोड़ा थोड़ा करते हुए, एक साथ नहीं डालना है। फिर डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मैंने गैस को ऑफ कर रखा है। अब इसके अंदर 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। फिर हमें इसे लड्डू बनाना है, जिस शेप में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बस हाथ को गीला करके बनाना है ताकि हाथ जल ना जाए। तो देखिए मैं ऐसे बना रही हूँ, सारे लड्डू को हमें ऐसे ही बनाना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्दी। आप लोगों को साबूदाने की मिठाई कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।